हेलो दोस्त, जैसा कि आपने देखा था, रेलवे जीडीसी 2023 का ऑफिशियल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन डिटेल आ गया था। तीन पोस्ट, ट्रेन मैनेजर, गुड गार्ड्स, एलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की, जो रेलवे के एम्प्लाई हैं अपने अपने जोन में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ की जीडीसी अलग पहले से प्रोसेस नहीं है, वहाँ की सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आएगी तीनों पोस्ट के लिए। सिलेबस भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन ताजुब की बात है कि ट्रेन मैनेजर बनना आसान है, एलपी टेक्नीशियन कठिन है और जेई का बनना मीडियम है, क्योंकि जेई में एक ही एग्ज़ाम है। कुल मिला के कह दे कि सारा पैटर्न को देखते हुए, अगर मुझे कहे कि लेवल 5 का ट्रेन मैनेजर या गुड बनना कैसे इजी है, तो 100 प्रश्न का आंसर देना है और उसी की तैयारी करना है। अगर एलपी टेक्नीशियन बनना है तो टेक्नीशियन में तो थोड़ा कम है, सिलेबस 2 है, पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। पहले पार्ट ए ही हुआ करता था। एलपी में तो साइको भी देना है और जूनियर इंजीनियर के 150 क्वेश्चन करने हैं। समझ गए होंगे, तीन पोस्ट की वैकेंसी आएगी, तीनों का डिटेल आ गया, पूरा सिलेबस आ गया। अब थोड़ा सा समझते हैं। समझने से पहले मैं ले चलूँगा थोड़ा सा पीछे। जब सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन की सूचना आई थी 20/6/2023 को, तब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे कि रेलवे ने सभी आरआरसी की मनमानी को रेलवे बोर्ड ने एक साथ कंपाइल कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन 15/7/2023 को आना लाजमी है, इन्होंने बोला था। हालांकि आज 14/7 है, एक दिन अभी बाकी है, लेकिन 15/7 नहीं आए तो आसपास में आ जानी चाहिए। ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन भी 15/7 से है और बाकी के प्रोसेस भी है, तो देखते हैं कल तक शुरू होता है या उसके बाद आता है। पोस्ट भी दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन सिलेबस नहीं था। हालांकि लग रहा था कि सेफ्टी कैटेगरी में और भी पोस्ट आएगा, लेकिन पोस्ट नहीं आया है। केवल एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर, तीन अलग अलग एग्जाम को एक साथ इन्होंने सेफ्टी के लिए लिया है। ये बालासोर घटना के बाद था। अब जो नया आया है अपडेट, उसी का वर्जन है, थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर दिया गया, 90/2023, जिसको 14/7/23 में है। कोई कहेंगे तो कहाँ है, तो टेलीग्राम पे कैंडिडेट ने शेयर किया है, मैं वेबसाइट अभी नहीं चेक किया हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये मिल जाएगा। तो ये टेम्पलेट कहता क्या है? टेम्पलेट ये कहता है कि पहले हमने बताया था कि जीडीसी को हम कंबाइन करेंगे, 26/6 वाला जो हमने अभी आपको नोटिस दिखा दिया, ये 20/6 वाला जिसमें हमने बोला था सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, उसका हम अभी क्या जारी कर रहे हैं, टेम्पलेट जारी कर रहे हैं। एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, अभी वैकेंसी कितनी होगी, किस जून में होगी, अभी नहीं आया है। इसके बाद एग्जाम सितंबर में हो सकता है, ऐसा बोला है, लेकिन अभी आपको डिवीजन यूनिट से पूरी एम्प्लाई का डिटेल भी कलेक्ट किया जा रहा है, और कलेक्ट करने के बाद उनको भरने के लिए दिया जाएगा। इसमें डेट वगैरह भी नहीं है, कितने लोग होंगे, कौन एलिजिबल होंगे। तो देखिए, रेलवे में अभी तक की जीडीसी में एलिजिबिलिटी होती है कि रेलवे का परमानेंट एम्प्लाई, जिनका पीएफ आ गया हो, जिनकी सब कुछ प्रॉपर हो गया हो और रेलवे में परमानेंट है, अपने अपने जोन में भर सकते हैं। बीच में आया था कि बोला जा रहा है कि 3 साल 4 साल कर दिया जाए, तो मैं बताऊं कि ग्रुप डी के एम्प्लाई जो 18,000 पे भर्ती होता है, 19,000 या 18,000, 19,000 कुछ रुपये होता है लेवल 2 का जो एलपी टेक्नीशियन का होता है, तो 3 साल बाद अगर उसको भरने के लिए अलाउ करेंगे तो 3 साल में इंक्रीमेंट उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। कई बार तो वो सेफ्टी और नॉन सेफ्टी वाले कैटेगरी में आके फंस जाएगा, तो वो भर के क्या करेगा, यानी उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि हायर लेवल 5 लेवल 4 में तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन लेवल 2 में तो लेवल 1 से नहीं मिलेगा, इसलिए मिनिमम एज क्राइटेरिया शायद नहीं होगा, और होगा तो देखना चाहिए, नोटिफिकेशन आएगी तब। अब यहाँ पे देखिए, सिलेबस की बात किया था, तो सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले एलपी में बता दूँ, एलपी जीडीसी के लिए 2 एग्जाम होगा, मोटा मोटी मैं बता दूँ, बिना पढ़े हुए पढ़िएगा तो टाइम लगेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा आपका नन टेक्निकल होगा, जो पहले हुआ करता था ओपन मार्केट के का, जिसका नीचे डिटेल दिया हुआ है किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन होगा। और पार्ट बी आपका टेक्निकल होगा, जिसमें आपको चूज करना होगा अगर इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं तो। लेकिन अगर 10+2 वाले जो सिग्नल एसएनटी में टेक्नीशियन होते हैं, सिग्नल और टेलकॉम में, उनके लिए पहले होता था इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और एक और ट्रेड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन वो हटा के अब कर दिया गया है फिजिक्स और मैथ,
शायद बाद में रिवाइज हो या नहीं हो। तो जो आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है नॉर्मल, वो पहले वाला ही सिलेबस है मैथमेटिक्स से जो आपके पढ़ते आए हैं, जनरल इंटेलिजेंस जो आप पढ़ते आए हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आप 10+2 वाला चैप्टर है वो पढ़ते आए हैं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस ये आपका है। पार्ट बी में आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, जैसे आपके ओपन मार्केट का था, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए तो अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो है। और पार्ट जो बी होगा एलपी टेक्नीशियन का, वो आपको पहले की तरह ही होगा, लेकिन सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले के लिए थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ की बात की गई है कि फिजिक्स मैथ ही देना पड़ेगा उनको पार्ट टू में। पहले इलेक्ट्रिशियन वायरमैन अलाउ कर दिया था। तो कुछ लोग पूछते हैं जो पहले पूछा गया है कि मेरा फिटर ट्रेड है, मैं इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिटर से आपको इलेक्ट्रिशियन का स्ट्रीम में आप कंपटीशन करेंगे भी नहीं और अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपसे जॉब लेना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आपको क्यों अलाउ करेगा? इसलिए फिटर जो जो ग्रुपिंग है, क्लियर क्लियर ग्रुपिंग लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे जो एप्टू टेस्ट है वो एलपी के लिए होगा, और जो जेई यानी बीटेक और डिप्लोमा होल्डर हैं वो कैंडिडेट केवल एलपी के लिए भर सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए नहीं, जैसा कि पहले रहता था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि एलपी बनने के लिए आपको मैक्सिमम 3 एग्ज़ाम तक जाना पड़ेगा, लेकिन गुड गार्ड्स बनने के लिए 1 एग्ज़ाम, वो भी 100 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। पास तो आपको बढ़िया, लेकिन एलपी टेक्नीशियन बनेंगे तो लेवल 2 आपको मिलेगा, और गुड गार्ड्स अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको लेवल 5 एक ही बार मिल जाएगा, बेनिफिट है अगर लेवल 5 की तैयारी करें ट्रेन मैनेजर गुड गार्ड्स की। तो उसके बाद जेई की बात करेंगे, तो जेई की बात आप देखेंगे तो जेई का आपका जीडीसी का प्रोसेस है, जो आपका जेई के लिए बस 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 100 नंबर टेक्निकल है, 50 नंबर टेक्निकल है, उसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट। ये 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट में आपको करना है, 15 जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट बेसिक और पोल्यूशन वाला 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से। एलपी टेक्नीशियन में ये डिटेल करके नहीं दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है जो आपका पहला पेपर है 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में मैथमेटिक्स रीजनिंग बेसिक साइंस और ये सबका 25-25 या 20 या किसी में 30 होगा, ऐसा होगा। हालांकि इन्होंने लिख के नहीं दिया है कि कैसे होगा किसमें, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पार्ट बी में भी नहीं लिखा है, केवल 75 क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके अपने अपने ट्रेड से होगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें इनका जो ट्रेड है, ट्रेड चुनना है कि आप इससे डिसिप्लिन रखते हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड वाले या इलेक्ट्रिकल से चुन लीजिएगा। इनमें नॉर्मलाइजेशन का भी एक फॉर्मूला लगेगा, जो मैट्रिक इंडेक्स था जो आपने देखा था 500-600 नंबर बन जाते थे, वो मेरिट इंडेक्स लगेगी जेई में यहाँ पे, और उसका एक फार्मूला है। उसके बाद देखिए जीडीसी में सबसे आसान गुड गार्ड्स, जिसको ट्रेन मैनेजर बोला जा रहा है, और ट्रेन मैनेजर में आपको 100 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, वो भी जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स जनरल रीजनिंग, यानी 40, 30, 70 और 30, 90 जो आपने पढ़ते आए हैं, और उसी का 100 नंबर करना है, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम में नहीं आपको लगना है, और एक ही बार मिलेगा जो आपको डायरेक्ट यानी सीधा कहें तो आपको जॉब की तैयारी, यानी कुल मिला के कहें कि जीडीसी में अगर बेनिफिट है यहाँ पे तो जीडी की सबसे बढ़िया बेनिफिट है गुड गार्ड्स वाला जो आप अप्लाई करते हैं। तो बाकी आपकी डिटेल कल से देखते हैं, वेट करते हैं सेंट्रलाइज का, कल नहीं आएगा तब, कल सैटरडे है, मंडे तक तो आपका एटलीस्ट आ ही जाएगा, अगर आ भी गया तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कुल मिला के इंतज़ार कीजिए, जो जो कैंडिडेट अभी रेलवे में जस्ट ज्वाइन किए हैं उनका पीएफ नंबर बन गया है, कई लोगों का कमेंट ये भी आता है कि पीएफ नंबर वगैरह नहीं बना है, तो देखिए इसके लिए आपको डिमांड ऑफिस से करनी चाहिए, और रेलवे से डाटा भी मांगा गया है कि कौन ज्वाइन किया है उनको दिया जाए, तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए, और नहीं भी हो तो आप भर दीजिएगा फॉर्म, और साथ में आप लिख दीजिएगा पीएफ नंबर वगैरह का कोई डिटेल भर के टेक्निकली या ऑफिस से पता करके कि ये क्या करना है, लेकिन अभी अभी 1 महीना टाइम मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।